स्टार्ट हो गया सेशन है, मुझे कुछ चलिए स्टार्ट हो गया। चलिए आइए दोस्तों, जय हिंद जय भारत, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर आज के सेशन में। और आज मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। कैसे बच्चे सभी, एक बार कनेक्ट हो जाइए, वो पता ही नहीं लगा एकदम से। चलिए जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू गाइस, ऑल गुड। चले लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टुडे इज द लास्ट डे जो आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा था अनअकैडमी पर रेफरल कोड इस्तेमाल करके। हमारा रेफरल कोड है टीम अर्पित, कैपिटल लेटर्स विदाउट स्पेस आपने यूज करना है। 20% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। 20% डिस्काउंट आज ही, मतलब आज आखिरी दिन है, इसके बाद खत्म हो जाएगा, कल फिर वो 10% पे आ जाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे कि अभी आप जानते हैं कि सबसे बेस्ट कोर्स जो अनअकैडमी पर आपको संकल्प 2.0 के नाम से दिख जाएगा, टीम अर्पित आपकी पूरी मदद कर रही है इसके अंदर। तो आपने एनरोल करना है सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, ठीक है जी। एंड माय नेम इज सनी वर्मा। यहाँ पर देखिए 20% डिस्काउंट ऑन ऑल सब्सक्रिप्शन आज 28 तारीख है और आज आखिरी डेट, ठीक है जी। और मेरा नाम है सनी वर्मा, यहाँ से सर्च कीजिएगा सनी वर्मा तो मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। आपने मुझे फॉलो करना है सो डैट आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए स्पेशल क्लास की, राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन माय डियर फ्रेंड्स। कुछ करंट अफेयर्स हमने किए थे, उसी करंट अफेयर्स के बेसिस पर आपने बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। इसके 15 क्वेश्चन के बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, बीच में कुछ क्वेश्चन बायो के भी हैं, ठीक है जी। चलिए तो एक सेकेंड रुकिए, चलिए ठीक हो गया ना। The Unbox Me campaign, which launched recently, is associated with which day? International Transgender Day for Visibility, Zero Discrimination Day, World Humanitarian Day, International Day for People of African Descent। पोल के साथ चले गया है, जरा पता लग जाएगा कितने बच्चों ने अच्छे से दिया है, कितनों ने नहीं दिया है। तो ये आपका पोल आपके पास आ गया है बच्चे। चले जी, पोल आ गया बच्चे, पोल मैं दे चुका हूँ। चलिए, इंटरनेट अनबॉक्स में कैंपेन किसके साथ जुड़ा हुआ है? कल हमने अच्छे से किया था, कल ही किया था हमने ये, इनफैक्ट यस्टरडे। हाँ जी, अनबॉक्स में कैंपेन माय डियर फ्रेंड्स 31 मार्च को दिन मनाया जाता है, जितनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है अराउंड द वर्ल्ड वो आती है, इकट्ठा होती है। और अनबॉक्स मी कैंपेन जो डिस्क्रिमिनेशन उनके अगेंस्ट है या इनइक्वालिटी जो उनके प्रति है उसको खत्म करने के लिए अनबॉक्स मी कैंपेन। तो द राइट आंसर इज क्वेश्चन, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, राइट। चलिए, विच इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू लॉन्च इट्स माई गोव प्लेटफॉर्म? पहली यूनियन टेरिटरी कौन सी है जिसमें माई गोव प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, जिसके अंदर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को रखा गया है और उसके अकॉर्डिंगली गवर्नेंस जो है आपकी ग्रास रूट लेवल पर उसको एनहांस करने के लिए, ठीक है जी। चले नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ पोल, वेट फॉर अ सेक। चले नोट्स मिलते हैं बच्चे टीम अर्पित पर, टीम अर्पित पर अवेलेबल है। आइए विवेक जबरदस्त, अगर नहीं देख पा रहे हैं तो मैं रीसेंड कर दूंगा इसको, ठीक है। टीम अर्पित टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे आपको। तो माई गोव प्लेटफॉर्म ये ग्रास रूट लेवल, को हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। 11th एंड 12th स्केड्यूल के अंदर आपको उसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी दिख जाएगी, साथ ही साथ आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 ओ से स्टार्ट होता है, जेड जी तक जाता है, पार्ट 9 में उसको रखा गया है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, राइट। तो यहाँ पर हम बात करें यूनियन टेरिटरी की, तो यूनियन टेरिटरी के माई गोव प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने से जो पार्टिसिपेशन है लोकल ग्रास रूट लेवल पर, जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं उनके लिए कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रखे हैं और उस परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को वो कितना मीट करते हैं ये इस वेबसाइट पर दिख जाता है, ठीक है जी। चले तो सी जम्मू एंड कश्मीर, यस इज द राइट आंसर। ऑल राइट, जय हिंद दोस्तों। विच कंट्री रिसेंटली साइंड एमिट टिल एंटी लिंचिंग एक्ट इन टू लॉ? मतलब कि वहां के सेनेट ने या कांग्रेस होता है वहां का पार्लियामेंट, ये किस कंट्री की बात है? कांग्रेस इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ दैट कंट्री जिसका आपने आंसर देना है अभी,
तो उन्होंने एंटी लिंचिंग एक्ट पास कर दिया है और वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है। चलिए ऑलराइट, चले जी बताइए किस किस कंट्री का है ये एंटी लिंचिंग एक्ट, जिसका नाम है एमिट टिल। एमिट टिल एक लड़का था 14 साल का, और उसकी लिंचिंग हुई थी 1955, जिसकी वजह से नेशन वाइड रेज हुआ था उस कंट्री में, और अब उन्होंने हेट क्राइम की कैटेगरी में डाल दिया है इस एक्ट को पारित करके, पास करके, ठीक है। तो नहीं, तबीयत ठीक है, फर्स्ट क्लास है, ऑल गुड, बस नींद पूरी नहीं हुई, ठीक है। ऑल राइट, मैं आपको क्या बताऊं यार, मैं रात को मुझे ना याद आ गई, मतलब अपने बचपने की, किसी और की नहीं, ठीक है। तो फिर मुझे याद आया कि यार चलो क्यों ना वो देखा जाए, हम दिल दे चुके सनम, हम दिल दे चुके सनम देखी। सलमान खान वाला पार्ट स्किप कर दिया, एंट्रेंस अजय देवगन की जहां से थी वहां से देखा, और उसको रिपीट मोड पर भी देखा, तो टाइम हो गया रात को, मैंने कहा उफराम सोना भी तो था, तो वही बात हुई। लिंचिंग होता है बच्चे, मॉब लिंचिंग, जैसे आप ओपनली किसी को पीट पीट के मार देते हैं या उसको आग लगा देते हैं जिंदा किसी को, तो उसको लिंचिंग कहा जाता है, ठीक है। चले तो बी, यस यूएस इज द राइट आंसर। चले अंबेडकर यंग एंटरप्रेन्योर्स, ये एक प्रोग्राम है फॉर नीडी पीपल यू कैन से, ठीक है। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, अंबेडकर यंग एंटरप्रेन्योर मेंटर प्रोग्राम है ये, जिसके अंदर स्किल्ड लेबर या जो शॉर्ट कोर्सेज हैं स्किल्ड वोकेशनल स्टडीज के, उसको यहाँ पर डाला गया है, साथ ही साथ फाइनेंशियल एड भी दी गई है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा बताइए जी, हाँ स्पेशल क्लास अटेंड करेंगे तो ठीक रहता है आपके लिए, काफी ज्यादा मतलब मैं काफी सब्जेक्ट कवर करता हूँ उसके अंदर, पॉलिटी बायो हिस्ट्री ये सभी चीजें। चलिए राइट आंसर इज, कल अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, राइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, आप लोग 100% जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, आपने तो पढ़ा हुआ है फिर भी। चले व्हाई यू गाइस आर नॉट गिविंग 100% आंसर, करेक्ट आंसर, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसको आफ्सपा कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, डिफेंस, होम, एक्सटर्नल या फिर फाइनेंस, ठीक है। चले आप बताइए, ऑल राइट, सोच समझ के देना, आंतरिक मामले इट मींस हमारे इंटरनल मैटर्स अगर डिस्टर्ब है तो फिर कैसे होगा, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योर करना है तो कौन सा मंत्रालय इसके ऊपर फॉर्मुलेट करेगा या लुक आफ्टर करेगा सभी चीजें बताइए जी। हाँ जी, क्या जवाब दे दिया आपने, ए, बस मैंने कहा था ठीक से पढ़ना है, ठीक से देना है, और ये सवाल है इसका होम मिनिस्ट्री, ठीक है जी, होम मिनिस्ट्री, तो आपको लॉ एंड ऑर्डर जो सिक्योर करना होता है, जिसके लिए अगर आर्मी डिप्लॉय करनी हो तो आर्मी भी इसके साथ साथ जो आपके सेंट्रल फोर्सेस हैं, जैसे कि आपके सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, ठीक है, इन सभी को भी डिप्लॉय कर सकते हैं, तो ये आएगा आपके होम मिनिस्ट्री के अंदर। चले
एंड डिस्टर्ब्ड एरिया जो है वो प्रेसिडेंट सर डिक्लेयर करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि यहाँ पे काफी डिस्टर्बेंस है, लो एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, आउट ऑफ हैंड्स हो गए हैं, तो इसीलिए फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम उसके ऊपर एक्शन लेती है. विच इंडियन स्टेट हैज अनाउंस्ड डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन इन दिस स्टेट? ये काफी इजी सा है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने समझने की बात नहीं है. चले जी बताइए जी, शाबाश फटाफट. आ गया पोल आपके नहीं बस. काव्य पाठक बच्चे, मेरा सेशन स्टार्ट होता 9:30. मेरे जो सेशन है कार्तिक चौधरी सर के चैनल पर भी होते हैं और अर्पित चौधरी सर के चैनल पर भी होते हैं. राइट, अर्पित चौधरी सर के चैनल पर ज्योग्राफी हम लोग करते हैं, लेकिन ज्योग्राफी आज मैंने ब्रेक दे करके एक मॉक टेस्ट रखा है. कार्तिक चौधरी सर के चैनल पर करंट अफेयर्स होते हैं. यस्टरडे वी हैव यू नो कवर्ड ऑल दिस टॉपिक्स और उसी का आज मॉक टेस्ट. जिन्होंने नहीं अटेंड किया था आज कर लेंगे, ठीक है. सूनर और लेटर सारी चीजें आपकी कवर हो ही जाती है. चलिए करंट अफेयर्स ये अप्रैल के हैं, सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे हम मंथ वाइज आगे चलेंगे आपको करंट अफेयर्स मिलते जाएंगे. चलिए तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पंजाब एंड लेट मी एंड द पोल सो दैट टाइम से दे सकूं आपको नेक्स्ट पोल. नोवाया गजेटा एक गजेट है, एक न्यूज़पेपर है. ये किस कंट्री का न्यूज़पेपर है? आप पहले इसका आंसर दीजिए, उसके बाद मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा. चलिए मैं पहले एक्सप्लेनेशन दे देता हूं थोड़ी सी. नोवाया गजेटा के जो एडिटर इन चीफ थे डिमिटी मुराटोव, उन्होंने 2021 में नोबेल प्राइज जीता था. और नोबेल प्राइज जो उनका नोबेल मेडल था, उन्होंने उसका ऑक्शन किया, जो मनी आई उन्होंने दे दिया. किसको दे दिया? यूक्रेन में जो रिफ्यूजीज हैं, यूक्रेन रिफ्यूजीज, उनकी हेल्प के लिए दे दिया. ठीक है, तो आपने बताना है कि ये नोवाया गजेटा किस कंट्री का न्यूज़पेपर है. राइट, सोच समझ के, ये नहीं कि कुछ भी यूक्रेन का नाम आया तो वही आंसर हो सकता है, ऐसा नहीं है ना. चले हाँ जी, मुझे मालूम था कि आप ए ही करोगे, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप ए पे सारे क्लिक कर देंगे. अरे ठीक है, ये भी ठीक है, आपने बी को चूज किया. ओके गुड. रशिया का एक न्यूज़पेपर है नोवाया गजेटा, इसके जो एडिटर इन चीफ है उन्होंने अपना नोबेल, जो उनका नोबेल मेडल था, नोबेल प्राइज मेडल, उसको ऑक्शन किया, प्राइज मनी जो आया वो दे दिया यूक्रेन रिफ्यूजीज की हेल्प के लिए. ठीक है जी, और ये एसोसिएटेड भी था इन 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 द पास्ट ईयर्स. रशिया ने बनाया था कि अगर आप कुछ भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो आपका सेडिशन माना जाएगा और उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं. तो नोवाया गजेटा काफी रहता है, सुर्खियों में रहता है. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्रॉस्ड विच माइलस्टोन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम? इन टर्म ऑफ वॉल्यूम कितना वॉल्यूम है यूपीआई का अभी रिसेंटली? किसी कंट्री से बहुत, किसी एक कंट्री से बहुत ज्यादा, किसी भी कंट्री से बहुत ज्यादा. और कोटक महिंद्रा बैंक के जो एमडी हैं, जो फाउंडर हैं मोस्ट प्रॉब्ली, उनका स्टेटमेंट भी आया था कि यूपीआई, फोन पे, पेमेंट, पेटीएम, ये सभी चीजें बैंक खत्म कर देंगे, क्योंकि ये लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपका सेविंग अकाउंट भी ऑनलाइन रख रहे हैं. आजकल चेक वगैरह की कोई जरूरत इतनी होती भी नहीं है, हालांकि जो बड़े बिजनेसेस हैं उनको तो अकाउंट चाहिए, करंट अकाउंट्स एंड सेविंग्स अकाउंट. सेविंग्स तो सैलरीड पर्सन को चाहिए, लेकिन करंट अकाउंट्स तो चाहिए चाहिए बिजनेस के लिए. तो आंसर फिलहाल इसका बता दीजिए. चले जी बच्चे, इतना स्पैम क्यों कर रहे हो वरुण, वरुण डबास? स्पेशल क्लास की कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं होती, मुझे फॉलो कर लीजिए. टेलीग्राम चैनल टीम अर्पित को ज्वाइन कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी. प्लीज डोंट स्पैम, अदरवाइज आई हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू. एक बच्चा कह रहा है सर पोल भेज. ठीक है जी,
हुजूर सरकार पोल भेज दिया मैंने, आंसर आप दे दीजिए। ठीक है, गलती हो गई, मैं थोड़ा विलंब कर दिया आपको पोल देने में। चले 500 करोड़ इज द राइट आंसर। विच फॉरेन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया? इंडिया में फॉरेन ट्रेड जो है, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन पॉलिसी नहीं पूछा है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपके कैसे होने चाहिए, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? हाँ जी, मुझे फॉलो करना होगा स्पेशल क्लास के लिए। चले, बोल तो सबको आ रहा है बच्चे, आप पे क्यों नहीं आ रहे? चले जी बताइए। नगेंद्र आप आकर के पढ़ा लीजिए, एक काम कीजिए, ठीक है, एक काम करो, पहले पोगो चैनल देख के आओ, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, टैरिफ कितना होना चाहिए, कितना सेस लगना चाहिए, ये सभी की सभी चीजें। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, आपने क्या किया है? हाँ बिल्कुल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री जो है वो लुक आफ्टर करती है, एब्सोल्युटली राइट। विच इंडियन बिलियनेयर टॉप्ड द हुरॉन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022? सेल्फ मेड वुमेन 2022 रिचेस्ट, वो भी ठीक है, वो क्या है, वो मतलब कौन है? ठीक है चले, चले जी बताइए। हुरॉन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022? हाँ जी बिल्कुल, यस, नायकाज चीफ फाल्गुनी नायर इज द राइट आंसर। ऑलराइट, ये जबरदस्त है, ठीक है, ये एक बार आप देख लीजिएंगे, देख लेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है। चल, फाल्गुनी नायर इज द राइट आंसर। विच ग्लोबल अलायंस अनाउंस्ड कोलैबोरेशन ऑन हाइपरसोनिक मिसाइल स्ट्राइक एंड डिफेंस कैपेसिटी? कोई इनकमिंग हाइपरसोनिक मिसाइल है तो उसका एयर डिफेंस सिस्टम इनके पास है, और ये स्ट्राइक भी कर सकते हैं एनिमी नेशन को, तो इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस मैकेनिज्म बनाया है, या उसके ऊपर बात कर रहे हैं किस तरीके के पैरामीटर्स होने चाहिए, तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? कैरेबियन कम्युनिटी, ऑकस के साथ, SCO के साथ, या फिर नाटो के साथ? राइट, PDF दे चुका था मैं कल, मैं रिसेंड कर देता हूं बच्चे टीम और पे टेलीग्राम चैनल पर। ऑलराइट, बताइए, शाबाश। हाइपरसोनिक मिसाइल स्ट्राइक एंड डिफेंस कैपेसिटी, हाँ ये ठीक है। ऑकस के साथ जुड़ा है, ऑकस की फुल फॉर्म है ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, इन तीनों का एक ग्रुपिंग है, और जियोपॉलिटिक्स के रिगार्डिंग ही है ये, जैसे कि पैसिफिक के अंदर, अपार्ट फ्रॉम दिस इंडियन ओशन के अंदर, और इसी के साथ साथ ट्रेड को एक सेफ साइड ले जाना अगेंस्ट चाइना, जो चाइना के जितने प्रैक्टिसेस हैं जिसके अंदर वो एशियन को भी थ्रेटन करता है, कोरिया को भी, जापान को भी, इंडिया को भी, और डेप्ट क्राइसिस के अंदर वो दूसरी कंट्रीज को डालता है जिनका GDP बहुत कम है, जैसे कि पाकिस्तान, मालदीव्स एंड बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। श्रीलंका की हालत आप देख रहे हैं, वो एक मिसमैनेजमेंट कह रहे हैं श्रीलंका के अंदर कि मिसमैनेजमेंट या लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से वहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी हुई है, बट जो उसके पीछे रीजन है वो है आपका चाइना का इंटरफेरेंस, चाइना का ओवर इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर ऑफ श्रीलंका, जिसकी वजह से उसने चाइना के लोगों ने चाइना की गवर्नमेंट ने श्रीलंका के लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा, अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचा, और उन्होंने जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी है वो प्रो चाइना ही करी है,
क्या होता है कि इंडिया के अंदर कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है किसी फॉरेन कंट्री की या कंपनी की, तो जॉब जनरेशन होता है, जॉब जनरेशन से पता लगता है कि एजुकेशन भी अच्छी हो रही है, सड़कें भी आसपास अच्छी बन रही है, लाइट बनती, मतलब लाइट की व्यवस्था होती है, पावर सेक्टर ऊपर उठता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ अब जॉब होगी आपके पास तो एक्सपेंडिचर होगा, तो पूरी की पूरी मार्केट ऊपर उठती है। लेकिन श्रीलंका के अंदर उल्टा हुआ, श्रीलंका के अंदर चाइना ने पैसा लगाया और अपनी नेवी और आर्मी सेंटर्स या व्हाट यू कॉल बेस बनाने के लिए ही उन्होंने बनाया था, तो ये डेब्ट क्राइसिस था। तो ऑकस जो है वो चाइना के अगेंस्ट ही बनाया इन्होंने पैसिफिक के अंदर। हाँ, मैं एक दूसरा ग्रुप भी है लोकल पार्टनर्स के साथ, इंडो पैसिफिक के ही दूसरी कंट्रीज है जिसके अंदर जापान है, साउथ कोरिया है, इंडिया है और यूएसए, उसका नाम है क्वाड, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी इंडियन फीचर इन दी फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट 2022, इंडिया के कितने बिलियनियर्स फोर्ब्स लिस्ट में आए हैं? एक मिनट का समय देंगे। एक मिनट, बस हो गया हो गया। चले जी बताइए यार, आवाज आ रही है? अगर मैं इसको लगा लूं ऐसे टी शर्ट पर तो एम आई ऑडिबल? अब ठीक है ना? जय भारत बच्चे, गुरदीप थालीवाल आइए, शाबाश। आवाज आ रही है सभी को? और आंसर आपने दे दिया है सी, 47% वन। हाँ ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए, 166 बिलियनर्स। चलिए, विच स्टेट इज होस्ट, चलिए एक सेकंड में जरा ये एंड कर दूं। कुलदीप तमीज से, समझ रहा है? नहीं तो ऑनलाइन ऐसा ब्लॉक करूंगा, कहीं नहीं पढ़ पाएगा, समझ में आ रही है? घर पे भी ऐसी बात करता है फादर से अपने? चलो जी, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया? जितना पढ़ाया जा रहा ना उतना तमीज से पढ़ ले। चलो जी, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। चले, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज अलाउडेड विच इंडियन स्कीम फॉर प्रिवेंटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी? अभी पीछे डिफेंस कॉन्फ्रेंस, नाउ इट इज डिफेंस कॉन्फ्रेंस, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं वर्ल्ड बैंक में भी और आईएमएफ में भी, और इन दोनों के गवर्नर्स के, दोनों के गवर्नर जब पार्टिसिपेट करते हैं कॉमन प्लेटफॉर्म पर, उसको बुलाते हैं डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। ये डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस के अंदर आईएमएफ के भी गवर्नर होते हैं और वर्ल्ड बैंक के भी गवर्नर होते हैं। अभी पीछे इंडिया गया था और डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो डेविड मेलपास, हु इज द डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, उन्होंने लाउड किया इंडिया की ढेर सारी जितने भी स्कीम्स हैं या जितने भी इनिशिएटिव्स हैं इंडिया के, उसको लाउड किया। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आईएमएफ जो है उसने अपने एंड से, आईएमएफ ने, क्योंकि आईएमएफ पैसा देता है इंडिया के अंदर। अच्छा, आईएमएफ का क्या रोल है वो भी मैं बता देता हूँ। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों को ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जाना जाता है। ब्रेटन वुड 1944 में साइनिंग हुई थी और इन दोनों को बनाया गया था, दोनों के ही हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। नाउ एक तरफ है एक्सट्रीम पॉवर्टी और दूसरी तरफ है डेवलपिंग नेशंस। डेवलपिंग नेशंस जो है उनको पैसा चाहिए डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट क्या है आपकी?
सॉरी ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए उनको, आईएमएफ इज फॉर द ग्रोथ। ग्रोथ क्या है कि इंडस्ट्रीज है उसको मल्टीप्लाई करना है, उसका साइज बड़ा करना है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चाहिए उनको, और ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए। तो जहां भी 500 करोड़ कमाते थे उनका 1000 करोड़ का टारगेट है, फिर 1500 करोड़ का टारगेट है, 2000 करोड़ का टारगेट है, तो पैसा चाहिए इस काम के लिए। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड बैंक देता है गरीबी को एलिमिनेट करने के लिए पैसा। जैसे कि काफी कंट्रीज है जहां पर बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान, वो भी नहीं है। तो रोटी कपड़ा मकान जनरेट करने के लिए वर्ल्ड बैंक पैसा देता है, इंटरेस्ट पर नहीं देता है, उसको वापस भी नहीं लेता, लेकिन आईएमएफ जो पैसा देता है इंटरेस्ट पर देता है और वापस लेता है उससे, ठीक है। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि आईएमएफ ने जो पैसा दिया है इंडिया को, और उसने तालियां भी बजवाई है कि इंडिया का ये प्रोग्राम एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म करने के लिए अच्छा प्रोग्राम है। किस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं आप, चलिए ढेर सारे प्रोग्राम, जैसे कि आपका आयुष्मान भारत, आप कैशलेस अपना हॉस्पिटल सर्विसेज ले सकते हैं, अपने हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपके जनधन योजना, उज्ज्वला योजना है ना, तो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए ये सारे प्रोग्राम है। इन सभी को अगर मिक्स करें, इन सभी सेक्टर्स को या इन सभी जितने भी स्कीम्स हैं इनको कॉमनली अगर बोलेंगे तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है जी। चले, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए, विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक लॉन्च्ड इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव। संभव किस बैंक का एक इनिशिएटिव है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है जी। फॉरेन कंट्री की तरह बनाना क्यों इंडिया को है? इंडिया बेहतर है उनसे मेरे भाई। आप उस कंट्री में जाना चाहते हैं जो कि वर्ल्ड ओवर, तो अरे भाई अमेरिका 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 अमेरिका, भैया एक जरा दूध देना एक लीटर या आधा लीटर, 27-28 डॉलर का तो दूध है आई थिंक वहां पर। इंडिया बहुत बेहतर है भाई साहब, ठीक है, इंडिया सबसे बेहतर है इन टर्म्स ऑफ योर फूड बेसिक नेसेसिटीज कुछ भी एनीथिंग, इंडिया सबसे बेहतर है, इंडिया इज द बेस्ट, दैट्स इट। कोई साफ सुथरा नहीं है, आपको मालूम है कि फ्रांस में वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्लम है, इंडिया में नहीं है, दिखाया जाता है कि इंडिया में, फ्रांस में है, ठीक है। डेंगू और ये प्लेग ये सब कॉमन है वहां पर, और इसी के साथ साथ और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वो तो पता नहीं कितनी है उनके पास। हाँ, तो आंसर इसका क्या है, सी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही दिया। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, What are westerly winds? Winds blowing from subtropical high pressure area to subpolar low pressure area. Wind that trade with each other. Wind blowing from equatorial high pressure area to subtropical low pressure area. Wind blowing from equatorial low pressure area to subtropical high pressure area. Now what is the correct answer? बताइए जी, वेस्टर्लीज क्या होती है उसमें बताइए। विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया टू सब पोलर लो प्रेशर एरिया। अब इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन तो बहुत बार हो चुकी है, अब आपको जानना है, आपने बस सही आंसर दें, ठीक है जी। अरे सी क्यों कह रहे हो भाई साहब, विंड ब्लोइंग फ्रॉम इक्वेटोरियल हाई प्रेशर एरिया, इक्वेटर पर हाई प्रेशर एरिया कौन सा होता है पहले तो यही बता दो मुझे। ए है, ए 32%, ठीक है जी। इक्वेटर पर हाई प्रेशर एरिया कौन सा होता है यही बता दो, जो सी आप क्लिक कर रहे हो। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया इट मींस 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ जाती है, तो वेस्टर्लीज होगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए, ठीक है जी। चल, डन है,
बच्चे अभी भी कंफ्यूज है, मतलब कि इतने कंफ्यूज है आप लोग। 124 अभी फिलहाल करंट व्यूअर्स मुझे दिख रहे हैं, 124 में से 80 तो यही सोच रहे होंगे क्या है ये है? चलो, विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर लाइज क्लोजली अबव द ट्रोपोस्फेयर। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है। बच्चे वर्ल्ड बैंक जो है वो आपकी पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए है, पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए, कोई अपनी गलती करे और गरीबी में आ जाए उसको वर्ल्ड बैंक पैसा देने के लिए नहीं है, ठीक है, पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए। यानी कि पहले चाइना से आप मदद लो, ढेर सारी चाइना आपका फायदा उठाए, आपको दिवालिया कर दे, आपके पास पैसे नहीं है, और फिर वो आ जाएगा वर्ल्ड बैंक, लो लो आप पैसे लो यार, आपको बड़ी एमरजेंसी लगी हुई यहाँ पर, ऐसे थोड़ी होता है। चले, तो इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता था। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर। मिस्ट्राल क्या है? अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दिया आपने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्ट्राल इज अ वार्म मोस्ट, या मोस्ट नहीं है, मॉइस्ट होगा, मॉइस्ट, ठीक है। तो इसमें से मिस्ट्राल वार्म मॉइस्ट लोकल विंड है, हॉट ड्राई लोकल विंड है, वार्म ड्राई लोकल विंड है, या फिर ड्राई लोकल विंड है। ए बी सी और ये डी, ए ए, चलो जी बताओ। जय हिंद बच्चे, जय हिंद चंदन प्रजापति। मिस्ट्राल बच्चे किस, हर एक कंट्री का ना अपना शेयर होता है, हर एक कंट्री का अपना शेयर होता है वर्ल्ड बैंक से। आप ये नहीं कि अनलिमिटेड पैसा उठा सकते हैं, जैसे कि इंडिया है, इंडिया पहले 12 बिलियन उठा सकता था वर्ल्ड बैंक से, अब उसका जो लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया, वो 17 बिलियन हो गया। 17 बिलियन से ज्यादा और पैसे चाहिए तो वर्ल्ड बैंक पे नहीं जा सकता, उसको मिलेगा नहीं। उधार लेने की एक लिमिट होती है, क्रेडिट लाइन होता है एक, वो खत्म हो चुका है, अब फिर वो जाएगा दूसरे कंट्री का, जैसे कि जापान के पास, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है। क्या दिया आंसर आपने? ए, अच्छा। मिस्ट्राल ना एक कोल्ड विंड है, कोल्ड विंड, इसमें कोल्ड नहीं लिखा, इसमें नहीं लिखा, इसमें नहीं लिखा है, हालांकि कोल्ड एंड ड्राई जरूर है। तो ड्राई लोकल विंड, ड्राई भी कौन सी, कोल्ड ड्राई लोकल विंड है, इसमें हादा ही लिखा है, ड्राई लोकल विंड, यस इट इज ड्राई बट इट इज कोल्ड, इसमें से कोल्ड तो कहीं भी नहीं लिखा है। वार्म वार्म लिखा है किसमें, हॉट लिखा है, तो अपोजिट हो गया सभी। D is the right answer. D is the right answer of this question. मिल जाएगा, don't worry. Spam करते रहोगे आप तो फिर कैसे चलती है चीज़? Connect हो ना अच्छे से, connect होना अलग बात होती है, spamming करना एक अलग चीज होती है, ठीक है। आपको connect होना है, I'm here to help only. But help मैं तभी कर पाऊंगा ना जब आप connect होंगे अच्छे से, ठीक है। चले, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे ज्यादा आसान भी कोई नहीं हो सकता। एक बच्चा कह रहा है पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से पैसा ले सकता है। भाई पैसा लेके भागना थोड़ी है, उसने पैसा डुबवाना थोड़ी अपना, भारत है, पैसा लेता है वापस भी करता है ना, इंटरेस्ट के साथ करता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आप उन कंट्रीज का नाम लेंगे जो पैसे लेके भाग जाते हैं तो ऐसे कैसे चलेगा है? चले, बैरोमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बैरोमीटर इज द राइट आंसर, राइट। चल,
द फॉलोइंग इज अ डेफिशिएंसी डिजीज, इसमें से डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी है? जॉन्डिस, गर्वी, कैंसर, एस्थमा। बताइए जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिशिएंसी डिजीज, इसका मतलब किसी ना किसी कमी की वजह से आपकी बॉडी में किसी ना किसी न्यूट्रिशनल वैल्यू के अंदर कमी की वजह से आता है ये डिजीज होता है। हाँ, बी स्कर्वी, ऑलराइट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी लीड्स टू ब्लीडिंग गम्स एंड हेमरेजिक स्किन, चल ये ठीक है, स्कर्वी इज द राइट आंसर। पोलियो इज स्प्रेड बाय बैक्टीरिया, वाटर, वायरस, मस्किटो। जब यूपीएससी एग्जाम में जाओगे ना अपने उसमें, और कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आया तो आप वहां पे कह देना यूपीएससी को फोन करके, भाई हमने नहीं पढ़ा है, ऐसे कैसे पूछ सकते हो आप हमसे, हैं? ये क्या बात हुई? पोलियो इज स्प्रेड बाय एक्चुअली फिकल ओरल कॉन्टेक्ट की वजह से होता है, और ये जो पोलियो है काफ़ी ज़्यादा अनहाइजेनिक कंडीशंस में रहने से ये एक वायरल डिजीज है, जिसकी वजह से सीधा ये अटैक करता है आपके नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम से आपके स्पाइनल कॉर्ड पे, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से इट लीड्स टू पैरालिसिस, पैरालिसिस भी पहले लेग्स या लिम्ब्स को डायरेक्ट अटैक करता है, और ये इरिवर्सिबल पैरालिसिस है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। वायरस इज द राइट आंसर। द टॉक्सिसिटी ऑफ डैश लीड्स टू लीवर सिरोसिस। नाउ लीवर सिरोसिस जो होता है एक्सट्रीम अल्कोहल कंज्यूम करने से होता है, बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने से होता है, वो दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है, इसलिए आप नहीं पीता है वो। तो जो लीवर सिरोसिस है किसी और वजह से भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट और किसी दूसरे मेटल की टॉक्सिसिटी से भी हो सकता है। तो वो कौन सा मेटल है जिसकी टॉक्सिसिटी से लीवर सिरोसिस हो जाता है, हालांकि होता है तो उसको हम विल्सन डिजीज बुलाते हैं। अब विल्सन डिजीज में किसकी टॉक्सिसिटी से होता है सिरोसिस, वो आपको बता, ठीक है? बताइए जी, लीवर सिरोसिस हालांकि अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस और भी दूसरी सब टाइप्स हैं सिरोसिस के, तो उसमें से एक सब टाइप है विल्सन डिजीज, वो होता है कॉपर। माय डियर फ्रेंड, विल्सन डिजीज जो है वो कॉपर की टॉक्सिसिटी की वजह से होता है, मर्क्यूरी की नहीं, आई एम सॉरी, कॉपर की वजह से होता है, ठीक है? The deficiency of which of the following vitamin leads to bent limb bone in children? Bent limb bone, soft bone भी कहते हैं इसको, हम ऑस्ट्रोमलेशिया भी कहते हैं, ये किस की deficiency से होता है बच्चों में? खुशी बच्चे दोनों का सिलेबस देखो, जो कॉमन है उसको अच्छे से करो, जो हालांकि कॉमन तो नहीं है सीयूईटी का और एनडीए का सिलेबस, लेकिन हो जाएगा आपका सीयूईटी कुछ 20-25 दिनों की प्रिपरेशन से, इतना तो है। मैंने पोल नहीं दिया, ओके सॉरी 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 सॉरी। चलो जी बताइए, बच्चे रखना तो है ही ना, अगर एनडीए आप कर रहे हैं
लेकिन आपको अपनी कॉलेज एडमिशन की श्योरिटी भी तो रखनी है साथ ही साथ। इसको स्मार्ट वर्क कहेंगे, ठीक है। चले, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू बैंड क्लेम बॉर्न इन चिल्ड्रन, बी वन, ओके, विटामिन डी नहीं होना चाहिए। विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और कैल्शियम आपके बोन के लिए जरूरी होता है, तो सॉफ्ट बोन्स, विटामिन डी इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज, जिनको हम ORS सॉल्यूशन पीने को बोलते हैं, तो ORS या ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किनको रेकमेंड की जाती है, जो कॉलरा के पेशेंट है, टेटनस के, टाइफाइड के, या फिर ट्यूबरकुलोसिस टीबी के, बताइए जी। तुक्का मारी क्यों रहे हो? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है बच्चे, आपको जितना फाइनेंस दिया जा रहा है, क्या आपको पैसे दिए जा रहे हैं कि जाओ बच्चे घर में आटा डलवा लो, आप आटा नहीं जा रहे हैं, तलवार लेके आ जा रहे हैं, ठीक है, तो आटा खाओ ना जिसके लिए पैसा दिया जा रहा है। गरीबी मिटाओ अपनी कंट्री के अंदर, पॉवर्टी हटाओ, एजुकेशन दो, नौकरी वगैरह बनाओ, कुछ डेवलपमेंट करो, हथियार लेकर आप खड़े हो जाते हो, तो FATF आता है और कहता है भाई साहब इसके लिए नहीं पैसे देते आपको, हम आप पैसे नहीं देंगे आपको, हम ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं, ग्रे लिस्ट में डाल रहे हैं, ठीक है। तो FATF होता है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। चलेगी, कॉलरा एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि आपके वेक्टर बोन भी है और ये आपका कंटेमिनेटेड फूड कंज्यूम करने से भी होता है, इट लीड्स टू डायरिया अल्टीमेटली। तो कॉलरा ORS का घोल पिलाया जाए जिसकी वजह से आपको वॉमिट रुक जाए, डिसेंट्री है वो रुक जाए, ठीक है जी। तो विच टाइप ऑफ विंड ब्लो कॉन्स्टेंटली प्रेडिक्टिवली एंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, कौन सी विंड है जो लगातार चलती रहती है, प्रेडिक्ट आप कर सकते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करती है, राइट। चलिए, बताइए जरा एक मिनट। ऑलराइट, C54 माउंटेन ब्रिज लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है, माउंटेन ब्रिज, वाह, सी कह रहे हो आप लोग, ग्लोबल विंड्स, हाँ सी इज द राइट आंसर, यस। चले, ग्लोबल विंड इज द राइट आंसर, दिस ग्लोबल विंड इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेनेटरी विंड्स, प्लेनेटरी प्राइमरी योर परमानेंट, ये सभी, और इसकी जो टाइप्स हैं वो है आपका ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज एंड योर पोलर ईस्टर्लीज, राइट। चल ठीक, चलें माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए पिक, इस पिक को देखिए, इस पिक के अंदर आपको जनरल सर्कुलेशन दिखेगी जो कि शॉर्ट पीरियड और शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, ठीक है, देख लिया, थोड़ा शॉर्ट, बड़ा करूं छोटा करूं बताइए। चल ठीक है, अब आपने बता, थोड़ा सा और कर लो ऊपर, चलो
अब आपने बताना ये लैंड ब्रीज है डे टाइम की, लैंड ब्रीज है नाइट टाइम की, सी ब्रीज है डे टाइम की या फिर सी ब्रीज है नाइट टाइम की। ठीक है जी, चलो ऑडियो नहीं आ रही है। आई कैनोट हेल्प, मेरे पास इन सब बातों का जवाब देने का मेरे पास है ही नहीं ऐसे जवाब। जूम कर दूं? लो लो जूम कर दूं, देख लो अच्छे से। ठीक है डन। अब ये कौन सी विंड है, लैंड ब्रिज है डे टाइम पे, लैंड ब्रिज है नाइट टाइम की, सी पे आंसर क्लिक किया आपने 48% बच्चों ने। तो ये सी ब्रिज है डे टाइम में। आप सभी को मालूम होगा कि कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन विंड्स भी चलती है, हम ब्रीज भी उसके साथ लिख देते हैं। ठीक है, ब्रीज नेम उन्हीं का होता है जिसमें से होता है आपका लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, लैंड एंड सी ब्रीज। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास एक होता है माउंटेन एंड वैली ब्रीज। ये डायर्नल टेम्परेचर की वजह से होता है, डायर्नल टेम्परेचर डे और नाइट के टेम्परेचर में जो डिफरेंस है उसकी वजह से होगा। डे टाइम पर लैंड जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा भी हो जाता है, पानी आराम से गर्म होता है, आराम देर तक गर्म रहता है। ठीक है, तो लैंड पर क्या होगा ऐसे में, लैंड जल्दी गर्म होगा तो यहाँ पर लो प्रेशर है, ये उस टाइम पर कंपेरेटिवली इतना गर्म नहीं है तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। तो यहां से क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा तो विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड, ये डे टाइम पर होगा, इसको हम सी ब्रीज बोलेंगे, जो कि सी आंसर आपका। ठीक है जी डन। चले विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बेस्ट एक्सप्लेन्स द फिनोमिना ऑफ विंड फ्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसमें से सबसे बेस्ट विंड फिनोमिना कौन एक्सप्लेन करेगा बताइए। चले मैं पोल दे देता हूं, फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है ये, अब नहीं मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन है ये मैंने यू डाल दिया बीच में। चले जी ए, अच्छा अच्छा विंड एक्शन की बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, विंड एक्शन की बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं। विंड एक्शन क्या है कि लो प्रेशर एरिया की तरफ जाएगी, इट मींस जो डेंस है, आइडियल गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन क्या बोलती है कि हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी गैस मूव करती है, तो इट विल बी डी, राइट, इट इज डी माय डियर फ्रेंड, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, क्योंकि यहां पर ये फिनोमिना ऑफ विंड पूछ रहा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं पूछ रहा है। एटमोस्फेरिक प्रेशर तो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया इज राइट, लेकिन नहीं, यहां पर हम विंड का फिनोमिना पूछ रहे हैं जो डेंसिटी की वजह से फ्लो करती है एक एरिया से दूसरे एरिया पर, जनरली हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यही गैस इक्वेशन में भी होता है। सी इज द राइट, सॉरी डी इज द राइट आंसर, राइट। चले विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे कहां गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ विंड, ये कतई आसान है, टाइप ऑफ विंड इनमें से कौन सा है, मतलब समझ रहे हो,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं पूछ रहा था, वो पूछ रहा था आपसे विंड फ्लोइंग के पीछे सबसे बेस्ट फिनोमिना कौन सा है। तो जैसे गैस इक्वेशंस होती है हाई डेंसिटी तो लो डेंसिटी मूव करती है, वैसे ही विंड एक्शन भी आपका होता है। ठीक है चलो, तो यहाँ पर क्या है, प्लैनेटरी विंड्स ऑफ कोर्स पीरियोडिक विंड एंड द लोकल विंड्स। प्लैनेटरी विंड्स आर या ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज एंड द पोलर ईस्टर्लीज, पीरियोडिक विंड योर मॉनसून और सीजनल विंड्स राइट, एंड लोकल विंड्स आपका लैंड ब्रिज सी ब्रिज माउंटेन ब्रिज वैली ब्रिज जिसके अंदर से मिस्ट्रल फोन सिरोको हरमटान शेनोक बुरा ये सभी आती है। ठीक है तो इसका आंसर है ए। कोरियोलिस इफेक्ट कॉज अर्थ टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, कॉन्टिनेंटल डिफ्लेक्शन, ग्लोबल विंड एंड द सरफेस करंट टू मूव इन अ कर्व्ड पाथ इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ग्लोबल विंड एंड डीप ओशन करंट टू मूव इन अ कर्व्ड पाथ इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो कोरियोलिस इफेक्ट का की वजह से होता क्या वो ये पूछ रहे। ठीक है चले, बताइए। शाबाश, हाँ ठीक है ना, जो भी लार्ज बॉडी मूवमेंट में होगी उसके टच में कोई भी दूसरा आएगा, फॉर एग्जाम्पल आपका विंड या फिर आपका ओशन करंट, तो वो डिफ्लेक्ट करेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जो विंड जाएगी वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से साउथ की तरफ जो विंड जाएगी वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। देन ओशन करंट, ओशन करंट भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज मूव करते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ठीक है जी, ठीक चले, तो यहां पर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, डीप ओशन करंट नहीं होगा, डीप ओशन करंट सैलिनिटी एंड वाटर डेंसिटी की वजह से मूव करता है, सब्स्यूम करता है एंड इट मूव्स टू द लेस डेंस एरिया, तो वो सैलिनिटी की वजह से है, वो कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से नहीं है। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेडी विंड दैट फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिटवीन 30 डिग्री लैटिट्यूड एंड 30 डिग्री लैटिट्यूड, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, इन दोनों के बीच में कौन सा विंड सिस्टम आएगा, जेट स्ट्रीम ब्रीज वेस्टर्लीज या फिर ट्रेड विंड्स। बताइए बच्चे, 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इट मींस इंटर ट्रॉपिकल एरिया, उसके बीच में कौन सा विंड सिस्टम होगा, जेट स्ट्रीम ब्रीज वेस्टर्ली ट्रेड विंड्स। सी कर दिया 36% वेस्टर्लीज। मतलब सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ पढ़नी भी होती है। ठीक है जबरदस्त, क्या सर्कल बनाया, तालियां। ठीक है जी, इक्वेटर, कैंसर, आर्कटिक, नॉर्थ पोल। कैप्रिकॉन,
अंटार्कटिक साउथ पोल, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर हाई प्रेशर। विंड मूव करेगी हाई टू लो प्रेशर ईस्टर्न डायरेक्शन, हाई टू लो प्रेशर अगेन वेस्टर्न डायरेक्शन वेस्टर्लीज, हाई टू लो करेगी अगेन ईस्टर्न डायरेक्शन से, लो हाई टू लो जाएगी, ठीक है हाई टू लो जाएगी वेस्टर्न डायरेक्शन से मूव करेगी, यहां से हाई लो प्रेशर की तरफ आएगी हाई से। तो दिस इज योर पोलर ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। दिस इज द ट्रेड विंड जो कि 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में फ्लो कर रही है, ट्रेड विंड है ये, डी नहीं होना चाहिए। अभी भी ए पे आ गए आप लोग हैं, दिस आर कॉल्ड द ट्रेड विंड, दिस इज द वेस्टर्लीज, दे हेल्प इन द ट्रेड, दे हेल्प इन द सेलिंग अंग्रेजों को, इसलिए ट्रेड विंड भी कह देते हैं इसको, ठीक है। रूट लो बच्चे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब रूट लो की इक्वेशन वगैरह टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे फिलहाल याद नहीं है, क्योंकि 18 साल तो ग्रेजुएशन किए हुए हो गए हैं और साइंस पढ़ी थी मैंने एटलीस्ट 20 साल पहले, तो अभी मैं देखकर ही बताऊंगा आपको चेक करके रूट लो, ठीक है। इफ यू वांट टू आस्क राधिका मैम यू कैन आस्क, ठीक है। अरे मिहिर आई लव यू टू बच्चे, चले जी। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे राइट, एंड आई कनेक्ट विद यू डे आफ्टर टुमारो विद ओशन करंट्स राइट। सो यू गाइस टेक केयर टिल देन, जय हिंद जय भारत।